नया IBN 7 हौसला है। और आइए अब फटाफट खबरों के सफर की तरफ रुख करें, देखिए सुपर फास्ट न्यूज। लद्दाख में एक बार फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के सामने आ गए। अधिकारियों के अनुसार चीनी सैनिक ओल्ड पेट्रोल पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करते हुए 20 मार्च और 28 मार्च को गुरत्से और देपसांग क्षेत्रों में आ गए थे। ओल्ड पेट्रोल पॉइंट भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से स्थापित अंतिम अड्डा है। अधिकारियों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन भारत के सैनिकों ने चीनी भाषा में लिखे बैनर दिखाकर उन्हें लौट जाने के लिए कहा। घुसपैठ की इस कोशिश के बाद भारतीय सैनिक लगातार गश्त कर रहे हैं। इसी क्षेत्र में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अप्रैल 2013 में तंबू लगा लिए थे, जिससे 3 सप्ताह तक गतिरोध रहा था। सीमा पर पाकिस्तान ने फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की है। ये घटना जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में नया पिंट पोस्ट पर हुई। करीब 25 मिनट तक हुई इस फायरिंग में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं मिली है। पाकिस्तानी फायरिंग के बाद बीएसएफ की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए इस तरह की फायरिंग करता रहता है। हिंसाग्रस्त यमन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने का अभियान पूरा हो गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रविवार को ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। यमन में फंसे हुए भारतीयों को जिबूती लाया गया है, जहां से उन्हें भारत लाने के लिए वायुसेना के 2 विमान भेजे गए हैं। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह पिछले 5 दिनों से जिबूती में रहकर भारतीयों की सुरक्षित वापसी के अभियान का जायजा ले रहे हैं। जजों और मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जजों को भगवान का दर्जा देते हुए कहा कि न्यायपालिका में सरकार और नेताओं का कोई दखल नहीं होना चाहिए। आपके पास जो काम है वो एक डिवाइन काम है। आपके पास जो काम है जो ईश्वर आपके माध्यम से करवाना चाहता है, और इसलिए हम लोगों के पास जो काम है और देश के और 125 करोड़ नागरिकों के पास जो काम है उससे आपका काम भिन्न है, और इसलिए आपकी जिम्मेवारियां भी बहुत है और देश की आपसे अपेक्षा भी बहुत है, और सामान्य नागरिक की सर्वाधिक अपेक्षा है। गैर जरूरी कानूनों को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए जजों और मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो रोज एक कानून खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। मैंने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में मेरी कोशिश है कि तुम कानून खत्म करो। अभी मैंने 700 कानून खत्म करने के लिए तो कैबिनेट में से अप्रूवल ले लिया, लेकिन अभी मेरे सामने नजर में करीब 1700 कानून आए, 1700, और मेरा एक सपना था कि मैं पर डे कानून खत्म करूं। हो सकता है 5 साल के मेरे टेन्योर में पर डे कानून खत्म करने का मेरा सपना मैं पूरा करूंगा। अदालतों में करीब 3 करोड़ मामलों के लंबित होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अचल दत्तू ने ये जानकारी दी है। 24 अदालतों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बाद न्यायमूर्ति दत्तू ने संवाददाताओं से कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि 5 साल के बाद कोई मामला लंबित न रहे। पुराने मुकदमों के लिए 5 साल अधिकतम सीमा है। दिल्ली सरकार ने रविवार को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1031 का ऐलान कर दिया। दिल्ली सरकार की माने तो इस हेल्पलाइन नंबर के आने के बाद राजधानी का हर शख्स भ्रष्टाचार के खिलाफ इंस्पेक्टर में बदल गया है। सरकार लोगों से अपील कर रही है कि रिश्वत मांगने पर अब मना करने की जरूरत नहीं है, जरूरी ये है कि रिश्वत देकर उसे रिकॉर्ड कर लिया जाए। ऐसा करने के बाद हेल्पलाइन नंबर पर फोन करते ही आरोपी के खिलाफ जांच और कार्रवाई तय हो जाएगी। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि सरकारी दफ्तरों के भ्रष्टाचार पर इससे अंकुश लगेगा। VIP और VVIP कल्चर को खत्म करने का नारा देने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के एक कार्यक्रम के दौरान इसी कल्चर को बढ़ावा देती तस्वीरें सामने आई। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन जारी करने के कार्यक्रम स्थल पर VIP और VVIP के लिए अलग से गेट बनाए गए थे। बाकायदा बैनर लगाए गए जिस पर लिखा हुआ था कि खास गेट VIP और VVIP के लिए ही है। तस्वीरें सामने आने के बाद दिल्ली सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा कि अब ये आम से खास हो गए हैं। वहीं इसका बचाव करते हुए AAP नेता दिलीप पांडे ने कहा कि AAP के कार्यक्रम के दौरान VIP और आम आदमी में कभी फर्क नहीं किया जाता। पटना में RJD अध्यक्ष लालू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता परिवार के महाविलय में शामिल होने की औपचारिक घोषणा कर दी। हालांकि लालू ने कहा कि जनता परिवार के महाविलय की आधिकारिक घोषणा समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव करेंगे। वहीं एक बार फिर लालू ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं किए गए।
यही नहीं, लालू ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध जारी रखने की बात कही। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि जल्द ही मुलायम औपचारिक रूप से बैठक बुलाएंगे। दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना इलाके में एक महिला के साथ पड़ोसी द्वारा रेप करने की घटना सामने आई है। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी चाकू लेकर घर में घुसा तो महिला ने विरोध किया और बचने के लिए खिड़की से कूद गई, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई। बावजूद उसके आरोपी ने उसे बगल के गोदाम में ले जाकर रेप किया। उसके बाद लोगों ने रेप किया आरोपी सोनम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद फिदाइन हमले को अंजाम दे सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये हमला जम्मू कश्मीर के सांबा में 21 मार्च को सेना के शिविर पर हुए हमले जैसा ही हो सकता है। सांबा हमले में मारे गए आतंकियों में से एक के पास मिले नोट की जांच के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को दिए गए अलर्ट में सलाह दी गई है कि किसी भी हमले से बचने के लिए एहतियात बरतने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश का पहला एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च करने वाले हैं। इससे पहले ही IBN 7 ने दिल्ली में प्रदूषण का जायजा लिया कि आखिर क्यों दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए अक्सर खांसी आती है, आंखों में जलन शुरू हो जाती है। जवाब है, दिल्ली की हवा में घुला प्रदूषण। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में RSPM यानी वो सूक्ष्म कण जो सांसों के जरिए हमारे शरीर तक पहुँचते हैं, उनकी मात्रा पिछले 7 साल में कई गुना बढ़ चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक राजधानी की हवा में RSPM का आंकड़ा 2007 में 161 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, जबकि 2014 तक यह आंकड़ा 316 तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नेशनल साइकिलिंग 2015 के आयोजन के मौके पर लोगों से ज्यादा साइकिल चलाने की अपील की। अखिलेश ने कहा कि अब हर किसी को पर्यावरण के लिए जागरूक होना होगा, बिना पर्यावरण संतुलन के सही स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अखिलेश ने बताया कि इसी बात को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार ने सूबे के महानगरों में साइकिलिंग को प्रमोट करने की पहल की है। वहीं अखिलेश की साइकिल चलाने पर निशाना साधते हुए BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उनके पास कोई काम नहीं है तो वो साइकिल ही चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध किया है। काटजू ने इस तरह के किसी भी प्रतिबंध को लोकतंत्र के खिलाफ करार दिया है। उन्होंने कहा कि गोहत्या पर प्रतिबंध की मांग केवल राजनीतिक है। बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कहा था कि उनकी सरकार गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए आम सहमति बनाने का प्रयास करेगी। बिहार के सासाराम में रोहतास पुलिस ने अवैध पत्थर खनन के खिलाफ अभियान चलाकर 100 से अधिक स्टोन क्रशर ध्वस्त कर दिए, लेकिन कार्रवाई करने गई पुलिस का नेतृत्व कर रहे SP शिवदीप पर खनन माफियाओं ने 25 राउंड से अधिक गोलियां चलाई। हालांकि SP बाल बाल बच गए, लेकिन पुलिस की कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस दौरान कई पुलिस वाले घायल भी हुए। SP शिवदीप ने दावा किया है कि अवैध खनन माफिया के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत से भरे ट्रक को रोकने की कीमत एक कांस्टेबल को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो पुलिस पर हमला करने से भी नहीं चूकते। पुलिस के मुताबिक एक केस के सिलसिले में जा रहे कांस्टेबल धर्मेंद्र चौहान ने जैसे ही रेत से भरा एक ट्रक आते देखा तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने रुकने की बजाय कांस्टेबल धर्मेंद्र को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। रेत माफिया का शिकार बने कांस्टेबल की मौत के बाद CM शिवराज सिंह चौहान ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। शिवराज ने कांस्टेबल की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौड़ ने जांच के आदेश देते हुए अधिकारियों से 3 दिनों में जांच रिपोर्ट तलब की है। बाबूलाल का कहना है कि रेत माफियाओं से सरकार सख्ती से निपटेगी। कांस्टेबल को ट्रक से कुचलकर मार दिए जाने पर कांग्रेस ने कहा कि जो मुरैना में हुआ वो पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश की ही तरह यूपी के आगरा में भी चेकिंग के दौरान एक ट्रक शनिवार की रात एक सिपाही को रौंद कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम के साथ ही सिपाही राजवीर चेकिंग कर रहे थे। उसी वक्त सामने से आ रहे एक ट्रक ने रुकने का इशारा करने पर सिपाही राजवीर पर ट्रक चढ़ा दिया। घायल सिपाही राजवीर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस लाइन में रविवार को सिपाही का सम्मान किया गया और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता पहुंचाने का भरोसा दिया गया। गोवा के फैब इंडिया कांड में पुलिस जांच के दौरान CCTV कैमरों को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक CCTV कैमरे लगाने के प्लान में बदलाव किया गया था, यानी जो प्लान शोरूम मैनेजमेंट को दिया गया था बाद में उसमें बदलाव कर दिए गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये बदलाव जानबूझकर किए गए हैं या अनजाने में, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गोवा के फैब इंडिया शोरूम में ट्रायल रूम के पास कैमरे को पकड़ा था, जिसके बाद शोरूम के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि सभी को शनिवार को जमानत मिल गई थी।
यूपी के चंदौली में छेड़खानी के एक मामले में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल अमोकपुर गांव में अपने घर में काम कर रही लड़कियों से कुछ लोगों ने बदसलूकी की, जिसके बाद परिजनों ने उनको पीट दिया। थोड़ी देर बाद ये लोग कुछ और लोगों को लेकर लौटे और मारपीट शुरू कर दी। इस पर गांव के लोगों ने हमलावरों को दौड़ा दिया। इस घटना में दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें महिलाएं और बच्चों समेत करीब एक दर्जन लोग जख्मी हो गए। गांव वालों ने हमलावरों की गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की। बुलंदशहर में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। मामला खानपुर के जवासा गांव का है, जहां 4 साल की एक बच्ची अपनी बकरी को पकड़ने के लिए एक घर में घुस गई। वहां पहले से मौजूद एक युवक ने बच्ची को दबोचकर घर का दरवाजा बंद कर लिया। युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसे बेहोशी की हालत में उसके घर के बाहर फेंक कर चला गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन बच्ची के घर वालों का आरोप है कि पुलिस वाले उन पर आरोपी से समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। दिल्ली के विवेक विहार में 19 साल की एक छात्रा के साथ गैंगरेप का आरोप उसी के दोस्तों पर लगा है। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है। बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्रा एक प्राइवेट संस्थान से फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रही है और अभी फर्स्ट ईयर की छात्रा है। आरोपों के मुताबिक पीड़ित के स्कूली दोस्तों ने उसे पार्टी के बहाने घर बुलाया, लेकिन पार्टी खत्म होने से पहले उसे बंधक बना लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित छात्रा को उसके घर के पास छोड़ दिया और फरार हो गए। घर पहुंची छात्रा ने परिजनों को सारी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। देश के कुख्यात गैंगस्टरों में से एक अमित भूरा को पंजाब की पटियाला पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बता दें, भूरा पर कई राज्यों ने लाखों रुपए के इनाम की घोषणा की हुई है। उसके एक और साथी सचिन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। पटियाला के DIG बलकार सिंह सिद्धू के मुताबिक भूरा को पटियाला के सदर थाने के पास एक नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया, जब वो अपने साथी के साथ एक गाड़ी में जा रहा था। अब दूसरे राज्यों की पुलिस भूरा को अपने राज्यों में ले जाकर जिन केसों में वो वांटेड था उसमें पूछताछ करेगी। सलमान खान हिट एंड रन मामले में आज मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष इस मामले में कोर्ट में जिरह करेंगे। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में सलमान खान की गैर हाजिरी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने बचाव पक्ष को कड़ी फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई में सलमान खान को कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिए थे। माना जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद सलमान खान आज कोर्ट में आएंगे। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपनी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर मियामी ओपन की महिला डबल्स का फाइनल जीत लिया है। उन्होंने एक्ट्रीना माकारोवा और एलेना वेस्नीना की जोड़ी को 7-5, 6-1 से हरा दिया। सानिया और हिंगिस ने इस साल लगातार दूसरा खिताब जीता है। एक बार की चैंपियन रह चुकी मुंबई इंडियंस इस सीजन के पहले दिन ही 8 अप्रैल को नाइट राइडर्स को कोलकाता में ही चुनौती देगी। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित ने पहले मैच में ही जीत हासिल कर बेहतरीन शुरुआत की उम्मीद जताई है। आईपीएल की शुरुआत से 3 दिन पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बड़ी राहत मिली है। संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन में फंसे वेस्टइंडीज के फिरकी गेंदबाज सुनील नारायण टेस्ट में पास हो गए हैं। गौरतलब है कि कोलकाता की टीम ने नारायण को रोके जाने पर आईपीएल से नाम वापस लेने की धमकी दी थी। पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने युवा क्रिकेटर्स को घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी को गंभीरता से लेने की सलाह दी है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम के मेंटोर द्रविड़ ने कहा कि रणजी में बेहतर करने का फायदा खिलाड़ियों को आईपीएल में भी मिलेगा। भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-2 से बराबरी पर रोककर 24वें अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत की। भारत को 10वें मिनट में निकिन थिमैया ने बढ़त दिलाई, लेकिन इसके बाद कोरिया ने 2 गोल दागकर अपनी टीम को 2-1 से आगे कर दिया। वीआर रघुनाथ ने इसके बाद पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके भारत के लिए 1 अंक पक्का किया। सेरेना विलियम्स ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। वर्ल्ड नंबर 1 सेरेना ने फाइनल में स्पेन की कार्ला सुआरेज को सीधे सेटों में मात दी। इस साल एक भी मैच नहीं हारी सेरेना के लगातार 21वीं जीत है। गुजरात के पीपावाव बंदरगाह के पास समंदर में डूबते यमन के जहाज से 17 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। दरअसल ये जहाज चट्टानों से टकराकर डूब रहा था, जिसके बाद 3 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जो सफल रहा। जिन 17 नाविकों को बचाया गया उनमें 10 पाकिस्तानी, 5 यमन, 1 इराकी और 1 भारतीय शामिल था। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी जवानों की तारीफ की है। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के नेतृत्व में हवाई हमले को देखते हुए विद्रोहियों ने भी हमले तेज कर दिए हैं। हूती विद्रोहियों ने अडेन शहर पर हमला किया। अडेन राष्ट्रपति रबू मंसूर हादी के प्रभाव वाला क्षेत्र है।
मिस्र के कायरो में हुए बम धमाके में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि चार इसमें घायल हो गए। धमाका एक पुल के पास बने चेक पॉइंट के पास हुआ। हाल के दिनों में मिस्र में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर काफी धमाके हो रहे हैं। तुर्की के फुटबॉल क्लब फेनरबाख के खिलाड़ियों को लेकर जा रही बस पर हमला किया गया। हमलावर ने बस के ड्राइवर को गोली मार दी। हालांकि इस हमले में किसी भी खिलाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। टीम के खिलाड़ी बस से इस्तांबुल जा रहे थे। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के दो मामलों में एक अदालत ने जमानत दे दी। जिया 25 फरवरी को भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुई थी जिसके बाद ढाका की अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। फिलीपींस में मिसाक तूफान ने दस्तक दे दी है। तूफान 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। खतरे की आशंका को देखते हुए शनिवार को हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। वेनेजुएला में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान में अधिकारियों ने करीब 100 किलो कोकेन बरामद की। ड्रग तस्कर आमतौर पर वेनेजुएला को अमेरिका और यूरोप में ड्रग तस्करी के रास्ते के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रविवार को फिल्म लोकेश बख्शी की स्टार कास्ट मुंबई में फिल्म को लेकर ऑडियंस का रिएक्शन जानने के लिए पहुंची। फिल्म के लीड एक्टर सुशांत और निर्देशक दिबाकर बनर्जी से मिलकर लोगों ने खुशी जाहिर की। इस साल आने वाली फिल्म सुपर हीरो फिल्म बैटमैन वर्स सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस का पहला ट्रेलर 15 मई को रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में एक्टर हेनरी केवल और बेन एफ्लेक लीड रोल में नजर आएंगे। निर्देशक रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले साल के अंत में क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। आपको बता दें कि इस फिल्म में बॉलीवुड की सुपरहिट जोड़ी शाहरुख और काजोल लीड रोल में नजर आएंगे। मुंबई में अमिताभ अनिल कपूर समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज एक साथ रैंप पर नजर आए। बिग बी ने अपनी बेटी श्वेता तो शत्रुघ्न सिन्हा ने सोनाक्षी सिन्हा के साथ रैंप वॉक किया जबकि अनिल कपूर अपनी बेटी सोनम कपूर के साथ रैंप पर उतरे। इस फैशन शो का आयोजन अभिनेत्री शबाना आजमी ने किया था। 6 अप्रैल को कोलकाता में आयोजित होने वाले आईपीएल सीजन 8 की ओपनिंग नाइट का सैफ अली खान, शाहिद कपूर, अनुष्का शर्मा और ऋतिक रोशन हिस्सा बनेंगे। इन सितारों के अलावा फरहान अख्तर और म्यूजिक कंपोजर प्रीतम भी इस आयोजन में शामिल होंगे। फवाद खान ने आलिया भट्ट के साथ इंटीमेट सीन करने से इनकार कर दिया है। करण जौहर की फिल्म में फवाद के साथ आलिया भट्ट है। फिल्म में आलिया और फवाद के बीच इंटीमेट सीन्स भी थे जिन्हें करने से फवाद ने इनकार कर दिया। उन्होंने ये फैसला पाकिस्तान में अपनी छवि को देखते हुए लिया। हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बड़ा अच्छा बिजनेस कर रही है। गुरुवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने केवल दो दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 24 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली।